ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए सुनते हैं तुलसी की पौराणिक कथा। इस पर्व की कथा का उल्लेख श्रीमद् भगवत पुराण तथा अन्य पुराणों में भी इस प्रकार हुआ है। प्राचीन समय में जालंधर नाम का एक दैत्य ने अपने उत्पातों के कारण सभी को भयभीत कर रखा था। उस दैत्य से भयभीत होकर ऋषि मुनि देवतागण भगवान विष्णु के पास अपनी विपदा सुनाने पहुंचे तो उन्होंने वृंदा का पतिधर्म भंग करने का बल क्षीण करने का निश्चय किया। भगवान विष्णु ने अपनी योग माया से एक मृत शरीर वृंदा के आंगन में फिकवा दिया। उसे पति का शरीर समझकर वृंदा ने उसका आलिंगन कर लिया। इससे उसका पति धर्म नष्ट हो गया, जबकि उसका पति तो देवलोक में इंद्र से युद्ध कर रहा था। इधर वृंदा का सतीत्व नष्ट हुआ तो उसका पति युद्ध में हार कर मृत्यु को प्राप्त हुआ। जब वृंदा को वास्तुस्थिति का ज्ञान हुआ कि वह सब भगवान का छल कपट था तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शाप दे दिया कि जिस प्रकार तुमने मुझे छल से पति वियोगी बनाया है, ठीक उसी तरह तुम भी अपनी पत्नी का छल पूर्वक हरण होने पर उसके वियोग को सहने के लिए मृत्यु लोग में जन्म लोगे। इतना कहकर वृंदा अपने पति के शव के साथ उसके वियोग में तड़पती हुई सती हो गई। कालांतर में रामावतार के समय भगवान राम को सीता का ऐसा ही वियोग सहना पड़ा था। पार्वती ने वृंदा की भस्म में तुलसी, आंवला और मालती के वृक्ष लगाए। इनमें से तुलसी को भगवान विष्णु ने वृंदा का रूप समझकर अपनाया। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि भगवान विष्णु ने छल से वृंदा का सतीत्व भंग किया था तो उसने उन्हें पत्थर बनने का शाप दे दिया था। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, तुम मुझे लक्ष्मी से भी ज्यादा प्रिय हो गई हो, यह सब तुम्हारे सतीत्व का ही तो फल है कि तुलसी बनकर तुम सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा वह परमधाम को प्राप्त होगा। यही कारण है कि शालिग्राम की पूजा बिना तुलसी दल चढ़ाए अधूरी मानी जाती है। इस प्रकार स्त्रियां प्रतिवर्ष तुलसी का विवाह भगवान विष्णु की प्रसन्नता पाने के लिए करती हैं।